Morning students, how are you all? In this video we are going to learn about our unit number 4 in Marigold, a textbook for English in class 5th. In our previous video we learned a story of Robinson Crusoe. He discovered a footprint. हमने अपने पिछले वीडियो में स्टोरी देखी थी रॉबिन्सन क्रूज़ो की. नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंप्लीट सम एक्टिविटीज दैट इज गिवन बिहाइंड दिस स्टोरी. लेट्स टॉक. हाउ वुड यू फील इफ यू सो अननोन फुटप्रिंट्स आउटसाइड योर फ्रंट डोर. अपने अपने फ्रंट डोर के बाहर कभी अननोन, जैसे कि पहले देखे ना वैसे फुटप्रिंट देखोगे तो आपको कैसा फील होगा. हियर इज द आंसर. अगर मेरे घर के बाहर फुटप्रिंट्स दिखे मुझे तो आई वुड फील वेरी एक्साइटेड टू सी अननोन फुटप्रिंट्स आउटसाइड माई फ्रंट डोर. मैं बहुत एक्साइटेड हो जाऊंगी अगर मुझे फुटप्रिंट देखे मेरे घर के दरवाजे के बाहर. आई वुड नॉट फील स्कैर्ड. मुझे डर नहीं लगेगा. आई वुड टेल माई एल्डर्स एंड ट्राई टू फाइंड सम क्लूज अबाउट इट. और फिर मैं अपने घर के बड़ों को बताऊंगी और फिर उसके बारे में कुछ क्लूज इकट्ठा करूंगी. आपको लिखना है आप कैसा फील करोगे. इफ़ यू वर अलोन एट होम. अगर आप घर पर अकेले होगे एंड सडनली समवन नॉक्ड एट योर डोर. और कोई नॉक करेगा आपके घर के बाहर. व्हाट वुड यू डू. आप क्या करोगे. सी इफ़ आई वेर अलोन एट होम. अगर मैं घर पर अकेले हूँ एंड सडनली समवन नॉक्ड एट माई डोर. अगर कोई नॉक करेगा मेरे घर के ऊपर दरवाजे पर. आई वुड फर्स्ट आस्क हु इज ऑन द डोर. अगर पहले मैं पूछूंगी कि डोर पर यानी कि दरवाजे पर कौन है. देन ओनली विल ओपन इट. उसके बाद ही मैं खोलूंगी. आप क्या करोगे. ये आपको अपना इंडिविजुअल आंसर लिखना है. ठीक है. नाउ लेट्स राइट. द वर्ड्स इन द सेंटेंस आर जम्बल. राइट टेम इन ऑर्डर. वन इज डन फॉर यू. आपको यहाँ पर जो वर्ड्स है वो जम्बल यानी कि आगे पीछे दिए हुए हैं. आपको इसका करेक्ट नंबर देकर आपको क्या करना है उसको करेक्ट एक आंसर एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है. देखिए जैसे कि अलोन वॉज नॉट रॉबिन्सन एस एंड आईलैंड ऑन. अब ये कोई सेंटेंस हुआ भला नहीं क्योंकि यहाँ पर वर्ड्स जो है इधर उधर है. आपको क्या करना है एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है जैसे कि रॉबिन्सन वॉज नॉट अलोन ऑन एन आईलैंड. ठीक है. उसी तरह से दूसरा बनाया. देखिए वॉज आईलैंड द इनहेबिटेड. द आईलैंड वॉज इनहेबिटेड. ओके. ये देखिए फुटप्रिंट टू समवन. दिस फुटप्रिंट बिलोंग टू समवन. आई लुक्ड अराउंड मी. आई वेंट टूवर्ड्स फुटप्रिंट लार्ज. आई वेंट टूवर्ड्स द लार्ज फुटप्रिंट. वॉज अफ्राइड. आई नो. आई वॉज नाउ अफ्राइड. फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड. आपको क्या करना है करेक्ट वर्ड से फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं. और ये जो वर्ड दिए हैं एंड बट बिकॉज ये सारे कौन से वर्ड है कनेक्टिंग वर्ड्स. यानी कि कौन से वर्ड कहते हैं उसे कनेक्टिंग वर्ड की जो दो वर्ड्स को या फिर सेंटेंस में जो वो जो वर्ड आता है वो जोड़ता है. ठीक है. देखिए आई वॉज फ्राइटेंड डैश क्यूरियस. मैं डरा हुआ भी था और क्यूरियस भी था. ठीक है. तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे एंड. आई डिसाइडेड टू गो टू बीच डैश आई वेंट अलोंग द वॉटर एज. तो उसमें क्या आएगा सो. I ran as fast as I could. Desk. I was frightened. I ran. मैं बहुत फास्ट दौड़ा. क्यों. क्योंकि मैं frightened था. अब क्यों जैसा कोई रीज़न देने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे because. यहाँ पर क्या आएगा because. I was very tired. Desk. Confused. और दो ही सेंटेंस हम बार बार बोलेंगे उसके लिए हम क्या ऐड करेंगे उसको जोड़ने के लिए एंड. ठीक है. जैसे कि आई लाइक एप्पल एंड आई लाइक एन ऑरेंज. तो अब उन दोनों को साथ में जोड़कर क्या करेंगे. आई लाइक ऑरेंज एंड एप्पल. ठीक है. राइट अ स्टोरी ऑन स्ट्रेंज फुटप्रिंट्स. आपको आपको क्या करना है स्ट्रेंज फुटप्रिंट्स के ऊपर स्टोरी लिखनी है. यहाँ पर कुछ क्लू दिए गए हैं. ठीक है. ये सारे
क्लू देखकर आपको एक स्टोरी बनानी है जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखी है। वी वेंट टू नेशनल पार्क फॉर फैमिली वेकेशन। हम फैमिली वेकेशन के लिए नेशनल पार्क गए थे। वन डे अ वेरी स्ट्रेंज इंसिडेंट हैपन विथ मी। एक दिन क्या हुआ, एक स्ट्रेंज इंसिडेंट यानी कि एक ऐसी घटना घटी मेरे साथ। वी वर स्लीपिंग इन आवर टेंट। हम कहाँ पर सोए थे, अपने टेंट में। आई हर्ड अ स्ट्रेंज साउंड। मुझे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। इट वॉज वेरी डार्क नाइट। वहाँ पर बहुत डार्क नाइट थी यानी कि अंधेरा था। आई लुक फॉर अ टॉर्च एंड वेंट आउटसाइड। मैंने टॉर्च ली और बाहर गया। आफ्टर वॉकिंग 5 स्टेप आई सो स्ट्रेंज फुट प्रिंट्स। मुझे वहाँ पर थोड़े से स्टेप्स चलने के बाद स्ट्रेंज फुट प्रिंट्स देखे इम्प्रिंटेड ऑन द मडी ग्राउंड। मडी ग्राउंड यानी कि वहाँ पर मिट्टी थी उसके ऊपर। दे वेर वेरी स्मॉल। वो बहुत छोटे थे। देन आई फॉलो द फुट प्रिंट्स बट टू माई डिसअपॉइंटमेंट आई वॉजंट एबल टू फाइंड एनी वन देयर। लेकिन वहाँ पर मुझे कोई भी नहीं मिला। उस फुट प्रिंट के पास गया फिर भी। उसी तरह से आपको भी अपनी एक स्टोरी बनानी है। इन क्लूज को सभी को पढ़कर आपको अपना इंसिडेंट बताना होगा, ठीक है। यूज़ द जॉइनिंग वर्ड्स गिवन बिलो एंड जॉइन द सेंटेंस कॉलम ए एंड बी। आपको यहाँ पर फिर से जॉइनिंग वर्ड मिले हैं, उसको आपको कनेक्ट करना है, जैसे कि और है, एंड, सो, बट एंड बिकॉज। लेट्स सी, वन इज डन फॉर यू। आई रोट द लेटर। कहाँ पर आई रोट द लेटर, उसके साथ क्या आएगा, आई फॉरगॉट टू पोस्ट इट, ठीक है। तो उसको आप ज्वाइन कैसे करोगे, बट से। आई रोट द लेटर, मैंने लेटर तो लिखा था, बट लेकिन आई फॉरगॉट टू पोस्ट इट, मुझे पोस्ट करना ही भूल गया। इस तरह से बाकी के भी किए हुए देखिए। शी वोर अ रेनकोट, उसने रेनकोट पहना था। उसके साथ क्या आएगा, इट वॉज रेनिंग, उसने रेनकोट पहना था। क्यों, तो फिर से रीज़न आया तो क्या लगाएंगे, बिकॉज। सी वेयर अ रेनकोट बिकॉज इट वॉज रेनिंग। वी मे गो टू शिमला एंड वी मे गो टू दार्जिलिंग, ठीक है। उनको ज्वाइन करना होगा तो कैसे करेंगे, वी मे गो टू, यहाँ पर क्या है, क्या किया है उन्होंने, गेस किया है, तो क्या और लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर और सी ज्वाइंट होगा। वी मे गो टू शिमला और वी मे गो टू दार्जिलिंग। ही वॉन्टेड अ बुक, उसे ही वॉन्टेड अ बुक फॉर हिज बर्थडे, उसके बर्थडे के लिए उसे बिग बुक भी चाहिए थी। ही वॉन्टेड अ फुटबॉल फॉर हिज बर्थडे, ठीक है, उसके सामने ये आएगा, उसे एक फुटबॉल भी चाहिए था। अब उनको हम ज्वाइन करेंगे तो कैसे ज्वाइन करेंगे, किस वर्ड के साथ, ही वॉन्टेड अ बुक एंड फुटबॉल फॉर हिज बर्थडे, ठीक है। ये देखिए हमने दोनों सेंटेंसेस को मिक्स करके कर दिया, लेकिन किसके साथ ज्वाइन करके, एंड के साथ। ही मिस द स्कूल बस, उसने अपनी स्कूल बस मिस कर दी। ही वॉज लेट टू स्कूल, तो क्या आएगा, उसके लिए वो लेट हो जाएगा, वो स्कूल के जाने के लिए लेट हो गया। हियर इज वन टाइम एक्टिविटी, लुक एट द फुटप्रिंट, आप ये फुटप्रिंट को देखिए। हिंट, दिस इज द फुटप्रिंट ऑफ द फर्स्ट मैन ऑन द मून, हिज नेम वॉज, जो फर्स्ट मैन जो मून पर जिसने पैर रखा था वो कौन थे, वो जो हिंट दिया हुआ है अब आपको बताना है, वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नाउ लेट्स क्रिएट अ पिरामिड, यूज द फॉलोइंग क्लूज। आपको इस फॉलोइंग क्लूज को यूज करके आपको एक पिरामिड बना है, जिसका शेप यूजुअली कैसा होता है पिरामिड का, ऐसा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं। फर्स्ट इज अ लेटर, अ टू लेटर वर्ड बिगिनिंग विथ बी। अब बताइए, अब टू लेटर वर्ड आपको लिखना है जिसकी बिगनिंग होगी बी से, तो फिर क्या हो सकता है, बी ई बी। अ थ्री लेटर वर्ड बिगनिंग विथ सी, थ्री लेटर वर्ड सी से स्टार्ट होगा, सी ए टी, कैट। अ फोर लेटर वर्ड बिगनिंग विथ डी, डी से स्टार्ट होगा फोर लेटर, तो क्या होगा, डी ओ डबल एल, डॉल। अ फाइव लेटर वर्ड बिगनिंग विथ ई, ई से स्टार्ट होगा, वैसा कौन सा होगा, ई ए जी एल ई, ईगल। अ सिक्स लेटर वर्ड बिगनिंग विथ एफ, क्या होगा, एफ ए सी आई ए एल, फेसियल। इसी तरह से आप भी कोई भी वर्ड बना सकते हो अपनी, ठीक है, जैसे कि सी ए टी है तो यहाँ पर सी यू टी कर देंगे, क्या हो जाएगा, कट। उसी तरह से आपको इस तरह से पिरामिड कंप्लीट करना है। एंड वी हैव कंप्लीटेड ऑल दिस एक्टिविटीज़।